Hello students, today we are going to study a lesson. The name of the lesson is Tansen. This is 5th chapter from your A Pact with the Sun book. In this lesson, we shall study about a great musician of 16th century. His name was Tansen. We shall come to know about his childhood life and we shall also come to know how he became a great singer. So, let's find out what is given in this story. एज वी ऑल नो दैट तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हम सभी को पता है कि तानसेन एक महान संगीतकार थे ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स वह अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे थे तानसेन फादर नेम वॉज मुकंदर मिश्रा एंड ही वॉज अ सिंगर तानसेन के फादर का नाम मुकंदर मिश्रा था और वो भी एक गायक थे तानसेन वॉज वेरी नोटी तांसिन बहुत ही शरारती थे और वो अपना पूरा दिन फॉरेस्ट में ही बिताते थे वो फॉरेस्ट में खेलते रहते थे तानसैन वॉज बोर्न इन बेहत ब इज़ अ प्लेस विच इज़ इन ग्वालियर एंड ग्वालियर इज लोकेटेड इन एम पी मध्य प्रदेश हेयर आई हैव गिवन यू मैप ऑफ इंडिया आर कंट्री एंड हेयर यू कैन सी इन सेंट्रल पोजिशन एम पी स्टेट हैज़ बिन गिवन एंड द ब्लैक डॉट शोज़ यू ग्वालियर एंड इन ग्वालियर देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नोन बाय द नेम बिहार एंड दिस इज द वेरी प्लेस वेयर तानसिन वॉज बोर्न एज आई टोल्ड यू दैट तानसिन वॉज वेरी नॉटी मैंने आपको बताया कि तानसिन बहुत ही शरारती थे ही वुड रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट में पूरा दिन खेलते रहते थे वहाँ पर दौड़ते रहते थे हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक जंगल होता है ही इमिटेटेड परफेक्टली द कोल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स अब तानसेन क्योंकि पूरा दिन जंगल में रहते थे इसलिए वो जंगल में रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स की आवाजें निकालने लग गए थे यानी कि वो उनकी आवाज़ की नकल करते थे इमिटेट करने का मतलब है कॉपी करना एक दिन स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल डिसाइपल का मतलब है उनके शिष्य वो इस फॉरेस्ट से गुज़र रहे थे स्वामी हरिदास एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे वो बहुत अच्छे गायक थे और वो अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से जा रहे थे अब सभी के सभी डिसाइपल्स बहुत टायर्ड हो गए थे वो बहुत थक गए थे इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और आराम करेंगे तानसेन जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था तानसेन की नज़र इन ट्रेवलर्स पर पड़ती है इन यात्रियों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जब तानसेन ने देखा कि स्वामी हरिदास और उनके शिष्य पेड़ के नीचे बैठ गए हैं तो उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब को डरा ही हिट बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर वह एक पेड़ पर छिप जाता है और एक टाइगर के जैसे बहुत तेज ग्राउलिंग का साउंड करता है बहुत तेज एकदम से दहाड़ने की आवाज़ निकालता है द ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर और जितने भी यात्री थे वहाँ पर वो सब डर जाते हैं और वो डर की वजह से इधर उधर बिखर जाते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं इधर उधर भाग लेते हैं स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर सेइंग दैट टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस अब स्वामी हरिदास ने बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सभी टाइगर खतरनाक नहीं होते हैं वन ऑफ इज मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग अ ट्री इतने में अचानक एक शीशे की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था और ये बच्चा कौन है ये बच्चा है तानसेन स्वामी हरिदास को तानसेन की इस शरारत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया स्वामी हरिदास तानसेन को उसके फादर के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि आपका लड़का बहुत ही टैलेंटेड है स्वामी हरिदास ने तानसेन की बहुत तारीफ़ की स्वामी हरिदास प्रेस तानसेन एंड टोक हिम अलोंग विद हिम और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूं और मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। स्वामी हरिदास ने तानसेन को इलेवन इयर्स तक ग्यारह वर्षों तक उसे म्यूज़िक सिखाया और उसके बाद तानसेन एक बहुत ही महान गायक बन गए जिस समय तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गए उस समय तानसेन की उम्र सिर्फ दस साल थी तानसेन स्वामी हरिदास के साथ इलेवन ईयर्स तक रहते हैं और अब उसकी उम्र इक्कीस वर्ष हो चुकी थी इस बीच एक बहुत ही बुरी घटना हुई तानसेन पेरेंट्स डाइड तानसेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई लेकिन तानसेन के पेरेंट्स ये चाहते थे उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि तानसेन एक पर्सन से मिले जिसका नाम है मोहम्मद घोष और मोहम्मद घोष ग्वालियर में ही रहते थे और ये एक बहुत ही अच्छे इंसान थे तानसेन विजिटेड मोहम्मद घोष अ होली मैन टू फुलफ़िल हिज फादर्स विश अब तानसेन अपने फादर की इस विश को पूरा करने के लिए मोहम्मद घोष के पास जाते हैं मोहम्मद घोष वुड ओफ़न टेक तानसेन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी मोहम्मद घोष तानसेन को हर रोज़ रानी मृग्निनी के दरबार में लेकर जाते थे जो कि एक बहुत ही अच्छी गायिका थी हु ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ यह खुद भी एक बहुत ही अच्छी संगीतकार थी तानसेन मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन दैट कोर्ट रानी मृगनैनी के दरबार में एक लेडी थी जिसका नाम था हुसैनी और तानसेन हुसैनी के साथ शादी कर लेते हैं तानसेन एंड हुसैनी हैड फाइव चिल्ड्रन हुर ऑल वेरी म्यूजिकल तानसेन और हुसैनी को फाइव चिल्ड्रन होते हैं और वो सभी के सभी म्यूज़िक में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें म्यूज़िक की समझ होती है तानसेन बिकेम वेरी फेमस धीरे धीरे तानसेन बहुत ही फ़ेमस हो जाते हैं बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं Emperor Akbar was very impressed by him and he insisted Tansen should join his court. अब राजा अकबर तानसेन की से बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कभी तानसेन का गाना भी सुना था और वो इस बात पर इंसिस्ट करते हैं इस बात पर जोर देते हैं कि तानसेन को उनके दरबार में आ जाना चाहिए तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556. फिफ्टी तानसेन अकबर की दरबार में 1556 में शामिल हो जाते हैं ही बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पर और वो राजा अकबर के बहुत ही करीब हो जाते हैं और उनके प्रिय बन जाते हैं अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट एंड वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हीयर हिम प्रैक्टिस अब किंग अकबर तानसेन के गाने से बहुत ही खुश थे और जब भी उनका मन करता था जब भी उनका मूड होता था चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात का समय हो वो तानसेन का गाना सुनने के लिए उन्हें अपने पास बुला लेते थे और कभी कभी तो वो तानसन को प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए उनके घर भी पहुंच जाया करते थे ही ऑल्सो गेव ही मैनी प्रेजेंट्स अब किंग अकबर ने तानसन को बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए बहुत सारे गिफ्ट दिए उनसे खुश होकर सम ऑफ़ द कॉर्टियर्स बिकेम जेल्स ऑफ तानसन और इसकी वजह से कुछ दरबारी तानसन से जेलस करने लगे उनसे ईर्ष्या करने लगे जलने लगे वन ऑफ द कॉर्टियर्स शोकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया अब किंग अकबर की दरबार में इतने सारे दरबारी थे और वो सब तानसेन से जलने लगे थे तो ऐसे में एक और दरबारी है जिनका नाम है शोकत मियाँ शोकत मियाँ को एक आइडिया आता है शोकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड टोल्ड हिम टू आस तानसेन टू तो सिंग राग दीपक इफ़ ही इज़ अ ग्रेट सिंगर शोकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है वो बहुत अच्छा गायक है तो उसे राग दीपक गाने के लिए कहिए ही टोल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीक्रेटली इफ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट दिंगर इज बर्न टू एशेज शोकत मियाँ ने अपने एक दोस्त को बताया कि अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाता है तो इसकी वजह से हवा बहुत गर्म हो जाती है और हवा के गर्म होने की वजह से जो भी कोई उसे गा रहा होता है वो जलकर राख हो जाएगा बर्न टू ऐसी यानी उसकी मौत हो जाएगी अकबर टोल्ड हिम दैट ही कुड सिंग इट श्योरली अकबर ने कहा कि तानसेन इसे ज़रूर गाएगा तानसेन वॉज अफ्रेड बट ही कुड नॉट डिसोबे द किंग तानसेन मन ही मन डर रहा था लेकिन वो किंग की बात को टाल नहीं सकता था ही आज द किंग टू गिव हिम सम टाइम टू प्रिपेयर तानसिन ने राजा को कहा कि उसे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके तानसिन वेंट होम ही फेल्ट वेरी अनहैप्पी तानसिन अपने घर गया और वो बहुत ही सैड था आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ तानसेन ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लेंप अलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राग दीपक गाने से इसकी हीट की वजह से गर्मी की वजह से ना सिर्फ सभी लैंप सभी दिए जल उठेंगे बल्कि मैं खुद भी जलकर राख हो जाऊँगा देन ही हैड एन आइडिया फिर अचानक से तानसेन को एक विचार आता है इफ समवन राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन तानसेन ने सोचा कि अगर उसी समय कोई राग मेघ गाता है राग मेघ मेघ मतलब बादल यानी कि ये एक ऐसा गीत है जिसे गाने से बारिश हो जाती है अगर कोई उसी समय राग मेघ गाता है तो उसे सही तरीके से गाता है तो बारिश आ जाएगी पर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती डू इट ही सेड तानसिन ने कहा कि शायद हमारी डॉटर हमारी पुत्री सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती इस काम को कर सकती हैं ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेगा और उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखा दिया दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर टू वीक्स और उन्होंने दो हफ्ते तक दिन रात इसकी प्रैक्टिस की तानसिन टोल्ड डैम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग तानसिन ने उन्हें कहा कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक कि लैंप जलना शुरू ना हो जाए जब तक कि दिए जलने शुरू ना हो जाए एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग और जैसे ही दिए जलने शुरू हो जाए तुम गाना शुरू कर देना द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक पूरा का पूरा टाउन वहाँ इकट्ठा हो गया वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि वो तानसेन को गाते हुए सुनना चाहते थे वैन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वाम जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया तो हवा गर्म होने लगी पीपल बेद इन परस्पिरेशन सभी लोग पसीने से नहा गए पर्स्परेशन का मतलब होता है स्वेट होना पसीना आना द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड पेड़ों पर जितने भी पत्ते थे वो सब सूख गए और नीचे गिरने लगे बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगिन टू बॉयल जितने भी बर्ड्स थे उनकी भी डेथ हो गई क्यों क्योंकि हर जगह बहुत गर्मी हो गई थी और साथ ही साथ नदियों का पानी भी उबलने लगा पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉटअप आउट ऑफ नो एंड लाइटेड द लैम्प लोग डर की वजह से चिल्लाने लगे क्योंकि चारों तरफ लपटे आ रही थी किसी को नहीं पता कि ये आग की लपटे कहां से आ रही थी और उसके बाद दीपक जलने भी शुरू हो गए एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेंटू सिंह राग मेघ एकदम से सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया द स्काई क्लाउडिड ओवर आसमान में बादल छा गए एंड द रेन केम डाउन और अचानक से बारिश गिरना भी शुरू हो गई तानसेन वॉज सेव्ड बट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस तानसेन की जान तो बच गई लेकिन इसके बाद वो बहुत बीमार रहे अकबर फेल्ड सॉरी एंड ही पनिश तानसेन एनिमीज अकबर को बहुत बुरा महसूस हुआ और उन्होंने तानसेन के सभी दुश्मनों को पनिश किया उन्हें सजा दी वेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉयस्ड जब तानसेन बिल्कुल ठीक हो गए तो पूरे शहर ने खुशियाँ मनाईं तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 ऐटी फाइव फैन ही डाइड अपने मरने तक यानी कि तानसेन की डेथ 1585 में हो गई और अपने मरने तक वो अकबर के दरबार में एज अ सिंगर काम करते रहे यानी कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे उनके नाइन जेम्स में से तानसेन का भी नाम आता है ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज और उन्होंने अलग अलग राग को भी डिस्कवर किया तानसर टूम इज़ इन ग्वालियर इट इज़ अ प्लेस ऑफ़ पिलग्रेमेज फॉर म्यूजिशियन अब तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है और यह जगह जितने भी संगीतकार हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान बन गया है पिलग्रमेज बन गया है पिलग्रेमेज का मतलब होता है एक होली प्लेस एक तीर्थ स्थान